हेलो माय फेलो लर्नर्स वेलकम टू सिंटेक्स सर्फर्स सो एज इन प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड सॉर्टिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्चिंग नाउ लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज सर्चिंग सर्चिंग का मतलब होता है कि हमें कोई लिस्ट में एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है दैट वो अगर है तो वो कौन सी पोजिशन पर है और अगर नहीं है तो फिर हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है ठीक है तो हम यहाँ पे दो टाइप की सर्चिंग कर सकते हैं एक तो होती है सिक्वेंशियल सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च सिक्वेंशियल सर्च कम यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें कंपाइलर को ज़्यादा टाइम लगता है और बाइनरी सर्च ईजी रह जाती है तो इसलिए हम बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं तो अब हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल सर्च कैसे होती है इसमें हम एलिमेंट्स को सीरीज़ में सर्च करते हैं मतलब कि जो हमारा एलिमेंट जैसे एक लिस्ट है और मैंने उसमें बोला कि मुझे फ़ाइव फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट हो जाएगा कि फर्स्ट में क्या कहते हैं क्या ये फ़र्स्ट एलिमेंट फाइव है नहीं फिर वो सेकेंड पर जाएगा फिर थर्ड पर तो ये बहुत प्रोसीजर टाइम टेकिंग हो जाता है सिलेक्शन सर्च का लॉजिक देखते हैं उससे पहले हमने एलिमेंट सेंटर करा लिया है के देन हमने क्या किया कि हमने बोला

एलिमेंट जो यूजर ने बताया वो उसके इक्वल है या नहीं तो जैसे ये चेक करेगा अगर वो इक्वल आ जाता है तो फाउंड की वैल्यू वन हो जाएगी और जैसे ही हमारा फाउंड की वैल्यू वन आएगी तो हम बता देंगे कि एलिमेंट मिल चुका है और वो किस पोजिशन पर है वो भी हम उधर प्रिंट करा देंगे और अगर एक ये केस भी तो हो सकता है कि यूजर ने कोई ऐसा एलिमेंट करा दिया एंटर जो हमारी लिस्ट में था ही नहीं तो फिर हम उसके लिए एक और केस लेंगे एल्स केस जिसके अंदर हम ये बता देंगे यूजर को जब हमारी लिस्ट खत्म हो गई और कोई एलिमेंट नहीं मिला तो हम लिखवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड तो पहले हम पूरा सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो फिर जैसे आई की वैल्यू वन है वन पे अगर फाउंड नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा लूप चलेगा फिर टू पे फिर थ्री पे और उसके बाद जैसे हमें पता चल गया फिर हम यहाँ पे उसको प्रिंट करा देंगे नाउ लेट स्टार्ट विथ बाइनरी सर्च तो बाइनरी सर्च बहुत ईजी होता है हमारे कंपाइलर के लिए क्योंकि उसमें एक इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं जिससे हमारा टाइम बहुत सेव हो रहा है तो वो क्या है एल्गोरिदम उसमें हम क्या करते हैं हमारे सर्चिंग स्पेस को हाफ कर देते हैं मतलब कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हम पहले मिडल मोस्ट एलिमेंट को चेक करते हैं तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है हमारी जो लिस्ट होनी है वो हमेशा सॉर्टेड मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए तो हम पहले मिडल मोस्ट एलिमेंट को चेक करेंगे अगर वो हमारा इक्वल है जो हमें एलिमेंट सर्च करना है तो तो कोई बात ही नहीं है बट अगर वो इक्वल नहीं होता तो हम उसे कंपेयर करते हैं फिर कंपेयर करने के बाद अगर हमारा जो एलिमेंट है वो उस मिडल मोस्ट एलिमेंट से छोटा है इसका मतलब कि हमें वो एलिमेंट पहले मिलेगा लिस्ट में मिडल मोस्ट एलिमेंट से नहीं तो बाद में मिलेगा तो अगर वो एलिमेंट कि, किसी भी साइड मिले हम जैसे इस साइड मान लो हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो हम उधर उसको फिर से हाफ में डिवाइड करेंगे फिर हम मिडल मोस्ट एलिमेंट को चेक करेंगे तो हमें ऐसे हमारा एलिमेंट मिल जाएगा अब ये तो बात है कि अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो, तो हम मिडल मोस्ट को मान ही लेगा हमारा कंपाइलर कि कौन सा यहाँ पे तो फोर्थ है बट अगर यहाँ पर सिक्स एलिमेंट्स होते तो तो अब हम लॉजिक पे आते हैं तो अगर हमारे पास पहले तो हम ये समझ लेते हैं अगर ऑड नंबर है तो तो हम निकाल लेते हैं मिडल मोस्ट टर्म बट अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करते हैं इस फार्मूला का यूज़ करते हैं इस फार्मूला से हमारे पास चाहे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो हम मिडल मोस्ट पोजीशन ईजिली निकाल सकते हैं तो इसमें बस हमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई टू करना होता है तो अब हम लॉजिक पे चलते हैं तो लॉजिक में क्या करना है हमें सबसे पहले वाइल लूप लगाना है हम क्या कुछ हमने वेरिएबल्स लिया है यहाँ पे एक तो लेफ्ट एक राइट right, एक मिड ये सब तो पोजीशंस है और फिर ए मिड ये हमारा नंबर है और नम एन यू एम नम जो है वो हमारा वो नंबर है जो हम सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने एलिमेंट्स लिस्ट के एंटर करवा लेने जैसे हम कराते हैं फिर उसमें से हमने आ, उनको ये स्पेशली बोलना है कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए एलिमेंट्स फिर उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है उसके बाद हमारा ये लूप लगेगा लूप में हमने क्या किया सबसे पहले तो मिड पोजिशन निकाली और लूप कब तक चलेगा सिर्फ तब तक जब तक लेफ्ट पोजिशन या तो लेस देन है या इक्वल टू राइट पोजिशन क्योंकि अगर हमें पता है कि लेफ़्ट पोजीशन हमेशा छोटी ही रहेगी राइट right से या इक्वल टू हो जाएगी लेकिन कभी भी बड़ी नहीं हो सकती उस केस में तो हमारा वो हो गया मतलब कि लॉजिक फेल हो गया तो इसलिए हम उसके बाद हमारा ये लूप से बाहर आ जाएगा तो हम उसके बाद लूप के अंदर चलेंगे हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाइए जिसमें हमने बोला है कि अगर हमारी जो मिडल मोस्ट पोजिशन पर एलिमेंट है और हमारे एलिमेंट जो हम सर्च करें उसके इक्वल है तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि मैच फाउंड एट जो हमारी पोजिशन है वो हम यहाँ पर बता देंगे फिर उसके बाद अगर ये के सेटिस्फाई नहीं होता तो हम दूसरा केस बनाया हमने एल्सफ़ का कि अगर हमारा जो नंबर है वो हमारे मिडल मोस्ट नंबर से बड़ा है तो यानी कि हमारा जो सर्चिंग स्पेस है वो हाफ हो जाएगा और हमारा जो वो स्पेस है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट right साइड पे और जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है अब वो बन जाएगा मिडल मोस्ट एलिमेंट से अगला ठीक है उसके बाद हम चलेंगे अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारी जो लास्ट डिफॉल्ट कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि हमारा जो राइट right वो हमारा यानी कि मिडल मोस्ट एलिमेंट है वो नंबर से बड़ा है हमारा सर्चिंग स्पेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो मिडल मोस्ट एलिमेंट से मिडल पोजीशन से एक कम हो जाएगी मतलब राइट पोजीशन फिर हम उसके बाद दोबारा से लूप में एंटर करेंगे फिर हम वही चेक करेंगे कि अब जो हमारा सर्चिंग स्पेस है उसकी मिड पोजिशन क्या है फिर वो मिड पोजिशन का एलिमेंट चेक करेंगे और बाय चांस हमारा जो मैच है वो फाउंड हमारा हो ही नहीं रहा क्योंकि हमने कोई ऐसा एलिमेंट एंटर कराया है जो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा ये वाला केस आ जाएगा उसमें हम चेक करेंगे कि लेफ्ट पोजीशन है वो राइट से बड़ी है इसका मतलब हमारा मैच है वो है ही नहीं लिस्ट के अंदर और हाँ हमें यहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर हो जाएगा क्योंकि हमारा कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि अब यहाँ पर उसे लूप से एग्जिट करना है तो वो लूप को फिर से रीस्टार्ट करेगा और क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो या तो लेफ्ट से लेफ़्ट एलिमेंट है वो राइट से छोटा होगा या इक्वल होगा तो वापस से जाएगा फिर से वही मैसेज प्रिंट करेगा तो ये एंडलेसली लूप हमारा वाइल लूप चलता रहेगा So, that is all for this video. In the next lecture, we are going to start with the next most important topic for C that is, function. Till then, keep learning, keep practicing.